हमीरपुर के माध्यमिक विद्यालय में तीन शिक्षिकाएं आपस में भिड़ गईं। करीब 45 मिनट तक तीनों में मारपीट होती रही। इस बीच स्कूल के बच्चों ने तीनों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन तीनों टीचर बच्चों को धक्का देकर लड़ती रहीं। बताया जा रहा है ये लड़ाई तेज आवाज और फोन में वीडियो बनाने को लेकर हुई है। मारपीट का ये वीडियो 2 अक्टूबर का बताया जा रहा है। मामला हमीरपुर के कुरारा कस्बे के कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय का है। मामला सामने आने के बाद तीनों शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल में प्रीति निगम प्रधान अध्यापिका के पद पर तैनात हैं, वहीं नाहिद हाशमी सहायक अध्यापक और पुष्पलता पांडे परिचारिका के पद पर तैनात हैं। बताया जा रहा है 2 अक्टूबर को स्कूल में गांधी जयंती का कार्यक्रम चल रहा था। बच्चे डांस और गाने के कार्यक्रम कर रहे थे। स्कूल में लगभग 50-60 बच्चे मौजूद थे। सहायक अध्यापक नाहिद हाशमी कार्यक्रम स्थल पर बैठी हुई थी, तभी वहां पर प्रधान अध्यापिका प्रीति आ गई। उन्होंने बच्चों को बाहर चलने के लिए कहा। प्रीति का कहना था समय रहते झंडा रोहण करवा दिया जाए, जिस पर नाहिद हाशमी प्रीति पर चिल्लाने लगी। उन्होंने बच्चों को बाहर जाने से भी मना कर दिया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते देखते दोनों हाथापाई पर उतर आई। इस बच्चे क्लास के अंदर बैठे कुछ बच्चे बाहर भाग गए, वहीं कुछ दोनों को छुड़वाने लगे। मारपीट होता देख पास में खड़ी पुष्पलता पांडे दोनों का वीडियो बनाने लगी। इस पर प्रीति पुष्पलता पर बिगड़ गई। वो उसके पास आकर उसका पर्स छीनने लगी, वीडियो डिलीट करने के लिए कहने लगी, जिसके बाद उन दोनों के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच क्लास के अंदर तिरंगा जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं उठाया। मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना जायसवाल ने दोनों टीचरों सहित वीडियो बनाने वाली शिक्षिका के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। तीनों टीचरों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मोबाइल नहीं है मेरा वाला।